नमस्कार दोस्तों, माजा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग क्या सीखने वाले हैं। जी हाँ, कई सारे ऐसे न्यू क्रिएटर्स हैं, कई सारे ऐसे न्यू यूट्यूबर हैं जो लोग दोस्तों यूट्यूब पे जाके अधिकतर सर्च करते हैं कि हाउ मैनी वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब फॉर सक्सेस। यानी कि YouTube पे दोस्तों सक्सेस होने के लिए YouTube का क्राइटेरिया जो है 1K सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा करने के लिए हमको YouTube पे कितना वीडियो डालना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों वो वीडियो डालते डालते वहाँ पे थक चुके होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि इतना सारा हम वीडियो यहाँ पे अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं फिर भी मेरे चैनल पे जो है दोस्तों व्यू नहीं उठ रहा है, तो रीज़न क्या है। और वो सीधा सीधी इधर उधर नहीं जाकर एक ही बात समझना चाहता है कि कितना हमको वीडियो जो है यूट्यूब पर डालना पड़ेगा जिससे मेरा चैनल जो है दोस्तों ग्रो कर जाए। इसका हम आपको यहाँ पे जवाब देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आजकल या फिर पिछले 3 या 4 सालों में देखिए YouTube पे दोस्तों दो तरीके का चेहरा जो है अपना वीडियो अपलोड करता है। अब वो दो तरीके का चेहरा कौन है वो हम आपको बताते हैं। एक वो चेहरा है, एक वो इंसान जो है दोस्तों YouTube पे अपनी वीडियो बनाता है जिसको कोई जानता नहीं है, वो अपनी पहचान बनाने के लिए YouTube पे आता है। और एक वो YouTube पे दोस्तों अपनी वीडियो को अपलोड करता है, डालता है, जो ऑलरेडी फेम पर्सन है, यानी कि जिसको दोस्तों समाज में या फिर दुनिया अपने जगह पे बोलिए दोस्तों या अपने देश में बोलिए ऑलरेडी लोग उसको जानता है। ये दो तरीके का यूट्यूबर है आजकल। इधर 4 या 5 सालों में देखिए, 4-5 साल पहले दोस्तों यूट्यूब पर जो है इस तरीके का क्रेज नहीं था, इतना सारा जो फेम पर्सन है वो लोग दोस्तों यूट्यूब पर उस तरीके से नहीं आए थे। लेकिन जैसे जैसे यूट्यूब जो है दोस्तों विकसित हो गया है, यानी यूट्यूब जैसे जैसे दोस्तों ग्रो कर गया है वैसे, और जैसे जैसे यहाँ से अर्निंग का जो स्तर है वो बढ़ना शुरू हो गया है, तो फेम चेहरा यानी कि जो पब्लिक जाना पहचाना है वो लोग भी दोस्तों अर्निंग करने के लिए यूट्यूब पे आ गया है। तो अब यहाँ पे अगर वो लोग जो फेम पर्सन है जिसको लोग जानता है, नाम से ही जानता है, वैसे व्यक्ति के लिए दोस्तों 3 से 4 वीडियो भी काफ़ी है। अगर वो 3 से 4 वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड कर देता है तो वही 3 से 4 वीडियो दोस्तों उसका क्राइटेरिया पूरा करके दे देता है, और उसी 3-4 वीडियो से जो है वो दोस्तों अर्निंग करना शुरू कर देता है। लेकिन हम आपको आपके लिए बता रहे हैं, यानी कि वैसे लोग जो दोस्तों यूट्यूब पे अपनी पहचान बनाने के लिए आए हैं, जिसका ऑफ से दोस्तों कोई ऑफलाइन कोई पहचान नहीं है, वो ऑनलाइन बनाने आए हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है दोस्तों आपका वीडियो कैसा है और वीडियो क्या वो सर्चेबल वीडियो है, यानी कि जो वीडियो दोस्तों आप यूट्यूब पे बना के अपलोड कर रहे हैं उस वीडियो का उपयोगिता कितना है, यानी कि पब्लिक उस वीडियो को सर्च कितना कर रहा है। अब आप सपोज डैट यहाँ पे समझ के चलिए कि आप वैसा वीडियो बना रहे हैं जैसा वीडियो दोस्तों यूट्यूब पे ऑलरेडी कितना सारा अपलोड किया हुआ है, यानी कि आपसे पहले जो है कई सारे यूट्यूबर जो है वहाँ पे आपके टाइप का वीडियो दोस्तों आपसे पहले से अपलोड करके डाले हुआ है। तो ऐसा वीडियो दोस्तों अगर आप बनाते हैं तो फिर चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगा, समय काफ़ी ज़्यादा जाएगा वहाँ पे दोस्तों आपको ग्रो करने में। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई जो है दोस्तों अपना क्रिएटिविटी माइंड जो है नहीं बना सकता है, अपना खुद का थीम बनाकर आपका खुद का वीडियो जो है दोस्तों हर कोई नहीं बना सकता है। सबको यूट्यूब पर आज के डेट में लगभग दोस्तों आपको 60% बता दें यूट्यूब पर अर्निंग करने ही आता है, और वो कहीं ना कहीं से वीडियो देखता है कि इस टाइप का वीडियो हम बना सकते हैं, तो उस टाइप का दोस्तों वीडियो यानी कि कॉपी करके ही वो आता है YouTube पे डालने के लिए। तो वैसे वीडियो ये नहीं कहेंगे कि आप ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है दोस्तों आप ग्रो करेंगे। अब सीधा सीधी आपका सवाल ये है कि शुरू में भी जैसे आप सोचे थे कि हमको कितना वीडियो YouTube पे अपलोड करना पड़ेगा जिससे मेरा चैनल जो है दोस्तों ग्रो करना शुरू हो जाए, तो देखिए आप यहाँ सीधा सीधी एक बात में समझ लीजिए, ऐसा है सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है या फिर कई सारे दोस्तों आज के डेट में यूट्यूबर है जो ऐड से दोस्तों अपना पेमेंट अर्निंग कर रहा है, वो लोग ने खुद खुलासा किया, वो लोग खुद दोस्तों अपने चैनल पर ऐसे वीडियो बना के डालते हैं। यानी कि लगभग दोस्तों 2 मंथ यानी कि 2 महीना तक जो है दोस्तों आपको अपने चैनल पर बिना व्यू देखे हुए आपको वीडियो अपलोड करते रहना पड़ेगा। अब 2 मंथ का मतलब आप समझिए, 2 मंथ का मतलब ऐसा नहीं हम आपको बोल रहे हैं कि वीकली वीडियो आप लोग अपलोड कीजिए या फिर 2 डेज के अंतराल में जो है आप वीडियो अपलोड कीजिए, नहीं, आपको पर डे वीडियो उस पर अपलोड करना पड़ेगा। अब पर डे वीडियो अगर आप 2 मंथ तक अपलोड करते हैं तो इसका सीधा सीधी मतलब आप समझिए कि आपके चैनल पे वीडियो हुआ 60 वीडियो जो है दोस्तों आपका अपलोड हो चुका है। 60 वीडियो जब आपका अपलोड हो जाता है तो उसके बाद जो है दोस्तों आपके चैनल पर डे 10 व्यू चलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये आपको नहीं करेंगे कि आपका 60 वीडियो अपलोड होगा तभी आपका व्यू उठना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, आपका लक भी हो सकता है, हो सकता है आपका दूसरा वीडियो ही ऐसा हो जो सर्चेबल हो, यानी कि उस समय सर्च ज़्यादा किया जा रहा हो,
उस वीडियो का तो हो सकता है उस समय ही आपके वीडियो का दोस्तों व्यू ग्रो कर जाए, तो ये हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपका वही बोले कि क्रिएटिविटी वाला आपका वीडियो नहीं है, वैसा वीडियो है जो नॉर्मल आम पब्लिक दोस्तों बना के यूट्यूब पे अपलोड करता है और आप ही उस तरीके का अपलोड करते हैं, तो 2 मंथ जो है लगभग 60 वीडियो दोस्तों आप पेशेंस बना के आप अपलोड कीजिए, और उसके बाद जो है दोस्तों धीरे धीरे आपका चैनल जो है ग्रो करना शुरू हो जाएगा, और लगभग 6 से 7 मंथ के बाद जो है दोस्तों अच्छा खासा आपके चैनल पर व्यू उठना शुरू हो जाएगा, और उस समय दोस्तों आपको यकीन हो जाएगा कि आपका भी चैनल है जो है ग्रो कर सकता है और आप भी अपने यूट्यूब चैनल से अर्निंग कर सकते हैं। तो सीधा सीधी एक शब्दों में ये बात आपको कहे कि कम से कम दोस्तों 60 वीडियो जो है आप अपने चैनल पे अपलोड कीजिए, और वहां से फिर आप अपने चैनल को ग्रो होने का चांस देख सकते हैं।